नवरात्र में 24 घंटे माता रानी का मंदिर खुला रहता है। तो जय माता दी, वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है एकदम झकास हो गया। और अभी हम रात को जा रहे हैं ब्यासर माता के दर्शन कर रहे हैं पैदल ही, और सब भैया लोग जा रहे हैं। ठीक है, माता रानी का बुलावा मुझे कैसे आया, सूरज भाई की वजह से। तो सूरज भाई ने इन्फॉर्म किया, और माफ़ी चाहता हूँ शायद लाइट की कमी आ रही है, क्योंकि नाइट में यार इतना अच्छा कैमरा नहीं है, आईफोन नहीं है। लेंगे, पैसा आप जल्दी जल्दी व्यू बढ़वाइए तो पैसा आएगा और फिर लेंगे। हाँ, तो कहाँ पे थे कि सूरज भाई ने अपन को फ़ोन लगाया था और कहा था कि बियासन चल रहे हैं टिंकू, मतलब मेरा नाम टिंकू भी है लाला जी अपने। और इधर है लाला भैया। लाला भैया कैसे हो? लाला भैया थोड़े से लाला भैया। और हमारे साथ है पहलवान भैया। हेलो गाइस, है ना। और पहलवान भैया से मेरी पहली बार मुलाकात हो रही है। लाले भैया से, लाला भैया कब से कब मुलाकात हुई थी? दो हजार 17-18-16 नहीं, हाँ 15-16 में। फ्रंट कैमरा चालू करो। 15-16 में थोड़ा शर्मी है हमारा लाला भैया। हाँ, थोड़ा सलमान खान से मिलते जुलते हैं ना अपन। तो अभी तक हमने एक भी स्टॉप नहीं लिया है, पूरा आ चुके हैं अभी तक छोटा मंगरदा। और मतलब थके तो कोई भी नहीं है, क्योंकि नज़दीकी कम से कम 8 किलोमीटर के समथिंग है हमारे घर से बियासन माता मंदिर। और ये क्या क्या बोल रहे हैं आप? ये बिया को आना विशाल है। अच्छा, ऐसा क्या? तो गाइस पहला स्टॉप लिया है इन लोगों ने, पर मैं भी शामिल हूँ। पहली बार इतने सांस में इतने किलोमीटर चले। नहीं नहीं, मैं तो आता रहता हूँ। अभी 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 बोल रहे थे, बोले पहली बार तो अच्छे भी हो रहा है। अच्छा, हमारे लाला भैया लाला भैया वीडियो में बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं, तो इसलिए वो वापस से यात्रा चालू कर। और हम क्या है कि मतलब विद्या धाम के अंदर से जा रहे हैं, शॉर्टकट रास्ता थोड़ा सा, तो और भी जल्दी नज़दीक पहुंच जाएंगे, समथिंग एक घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इस जेसीबी को भी हमें ले चलना था उठाकर, बट मना कर रहे हैं बस हमारे इसमें पहलवान तो यही है, और यही मना कर रहे हैं पहलवान भैया। अच्छा, लॉक नहीं, मैंने सोचा कि उठा करो, दिख ही नहीं रहा मैं तो, दिख गया। हाँ, तो चलिए मिलते हैं उजाले में आप लोगों से। तो जय माता दी, दूसरा स्टॉप इन्होंने यहाँ पे लिया है, मतलब विद्या पैलेस से हम बाहर निकले हैं, काफ़ी घूम के आए, और फिर उसके बाद ये थक गए आज। तो फाइनली अभी एयरपोर्ट रोड पहुँच चुके हैं हम पैदल पैदल। तो एयरपोर्ट रोड पर लाइन टू लाइन चल रहे हैं, है ना। सबसे पहले सूरज भैया, फिर मैं, पांडे जी, लाला भैया और पहलवान भैया। सामने दिख रहा है एयरपोर्ट। जय माता दी, माता दी, जय माता दी। हाँ, बस सामने दिख जाएगा। अरे मैं एयरपोर्ट का मैं बहुत जल्दी वीडियो भी बनाने वाला हूँ, ठीक है, कि यहाँ से मतलब कौन कौन सी फ्लाइट उठती है और कहाँ पर टिकट, आपको इमरजेंसी अगर टिकट बुक करवानी तो कहाँ पर करवाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। पर पहले मैं इनको यहाँ से पूछ तो लूँ, उसके बाद ही होगा सारी बातें। नवरात्र में 24 घंटे माता रानी का मंदिर खुला रहता है, और भक्त लगातार रात हो दिन हो आते रहते हैं, दूर दूर से पैदल आते हैं काफ़ी, और इंदौर से देवास भी काफ़ी लोग जाते हैं पैदल यात्रा पर। जगह जगह प्रसाद बट रही थी, यहाँ पर भी प्रसाद बट रही थी अभी, और यहाँ पर ट्रैफिक ना हो उसके लिए सब व्यवस्था में लगी हुई है पुलिस। तो बोर्ड लिखा है बियासन, ठीक है, इसके आगे से भी एक रास्ता है और एक रास्ता ये है। अब ये रास्ता जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये नवरात्रे बाद ये रास्ता आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है, ये जो एयरपोर्ट दिख रहा है ना, ये एयरपोर्ट की जो जगह है वो पूरा, ये जो रोड दिख रही है आपको नहीं दिखाई, ये पूरी जगह फैल जाएगा, वहां तक चला जाएगा, काफी बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। इंदौर हर चीज में आगे है, और अब एयरपोर्ट भी काफी बड़ा हो जाएगा, काफी सुंदर, अभी भी सुंदर है एयरपोर्ट, है ना। एयरपोर्ट के नजदीक ही है बियासन माता मंदिर। तो ये नीचे पार्किंग की व्यवस्था है, पूरा जितना भी नहीं सब पार्किंग है, ठीक। दो पहिया राशि 10 रुपये, 4 पहिया 20 रुपये, 3 पहिया 15 रुपये, और साइकिल निःशुल्क है।
जय माता दी। देखिए सब फूल, रात को ही ये दुकानें लगी है, यही तो सीजन होता है इन लोगों का। और देखिए टेकरी से कितने काफी लोग आ रहे हैं, काफी लोग जा रहे हैं, और हम लोग माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं। जय माता रानी। वो जिनकी दुकानें यहाँ पर है वो यहाँ पर सो भी गए हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। को अगर चावल वगैरह पे नाम लिखवाना हो आपका, ठीक है, टैटू वगैरह बनवाना हो तो आप यहाँ से आ सकते हैं। चलिए आ चुके हैं, माता रानी की टेकरी चढ़ चुके हैं, और यहाँ पर ही व्यासा टेकरी पर चढ़ते से ही निःशुल्क व्यवस्था है यहाँ पर जूते चप्पल उतारने के लिए। ये देखिए सब निःशुल्क है यहाँ पर जूते चप्पल के लिए, और यहाँ पर चाय प्रसादी बट रही है, जितनी चाय पीना आप पी सकते हैं यहाँ पे। माँ शक्ति सेवा मंडल व्यासा माता मंदिर, ठीक है, और यहाँ पर पानी की सुविधा। जय माता दी। रानी के दरबार में पहुँच कर आपको हर चीज सुविधा मिलेगी, चाय पानी भंडारा भी मिलता है, ठीक है, बट वो अभी लगा नहीं हुआ है, शायद दिन में होता हुआ होगा। और यह माता रानी की टेकरी के ऊपर भी ये लगा हुआ है, सब दुकानें वगैरह हैं। जय माता दी, जय माता दी। चलिए माता रानी का गेट आ गया। जय माता दी, जय माता दी। और सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, सुरक्षा के लिए ऑफिस बना हुआ है। और चलिए जय माता दी, जय माता दी, व्यासा मैया की जय। जय माता दी। जय माता दी। जय इस नवरात्रे में माँ व्यासा मैया के दर्शन। तो ये यहाँ झगड़ा हो गया, यहाँ झगड़ा हो गया, ये चोर वगैरह है शायद, चोरी वगैरह की करने, हाँ कुछ ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ हर जगह पुलिस तैनात है, तो कृपया मंदिर में आ तो ऐसा बिल्कुल ना करें, है ना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय हो माँ। तो गाइस वो मंदिर में जिनको वो पकड़ के ले गए थे, महार फूट रहे थे वो, तो कोई कह रहे हैं कि चोरी की, कोई कह रहे हैं कि किसी महिलाओं को छेड़ा, अब ये नहीं पता कि काय के लिए हुआ है, बट ऐसा गलत काम बिल्कुल नहीं करना यार, कभी नहीं, कभी जीवन में नहीं, ठीक है। तो चलिए दर्शन करते हैं जय माता दी पूरे मंदिर के। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय संतोषी माँ, हर हर नर्मदे, जय नर्मदे, जय भोले बाबा, जय माँ दुर्गा की, साई बाबा का मंदिर, महालक्ष्मी माता मंदिर, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिते शरण्ये त्रिम्बे गौरी नारायणी नमस्ते ते। जय लक्ष्मी मैया की। चैतन्य भैरव बाबा मंदिर, ये जो मूर्ति देखने, ये मूर्ति हमने देखी है पहले, आपने मेरे ब्लॉग में देखी होगी, ये वही आकाश भाई ने ये मूर्ति बनाई है, पूरी पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। जय माता दी। अरे वाह, जय भैरव बाबा की जय हो, क्या बात है, सो रहे हैं, जय भैरव बाबा की, देखिए मतलब रात में आराम करते हैं सब, जय भैरव बाबा की। तो हाथ वगैरह बनवाना हो यहाँ पर, वो 10-15 दिन के जो हाथ बनते ना वो बन जाएगा। जय माता दी। रास्ता इधर से भी है, ठीक है, हम उधर वाले रास्ते से आए थे, बट एक रास्ता ये भी है, उतर रहे ना तो कुछ असर नहीं हो रहा, बस चले जा रहे, उतरते ही जा रहे हैं,
अपने आप रड़कते जा रहे हैं, रुड़कते जा रहे हैं अपने आप। जय माता दी, जय माता दी। अपने आप आ रहे हो वहां से? पैदल चलने की जरूरत नहीं थी, रुड़क के आ जाते हैं। ये भाई को बारिश लग रही। जय माता दी, गया बंद। तो गाइस अगर आप लोगों को डीजे की गाड़ी चाहिए तो आप ले सकते हैं। अरे यार भयंकर भारी है, देख हासिल नहीं। आहा, म्यूजिक भी बज रहा है। तो गाइस ये है डीजे की गाड़ी, आप ले सकते हैं डीजे की गाड़ी। वाह श्री चतुर्दास जी। ऐसा भी डीजे की गाड़ी कितने की है? 800 रुपए की है। 800 से कम तो हो जाएगा यार, 500 रुपए में है ना, 500 रुपए की मिल जाएगी। ये 500 रुपए की गाड़ी मिल जाएगी आपको। व्यासन पे आइए और डीजे की गाड़ी लीजिए, मस्त साउंड बजाइए। भाई साहब ने बोला कि हमको भी दिखा दो, दिखा दिया भाई साहब। डीजे की गाड़ी खरीद रहे हो ना? हाँ। जय हो, जय माता दी। रिक्शे में लाइट ना होने के कारण हमने जलाई है टॉर्च। चलिए ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं घर के लिए, रवाना हो गए, माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। और इधर है लाला भैया, और इधर है पहलवान भैया, इधर है पांडे जी, और इधर है सूरज भैया, है ना। तो हम निकल रहे हैं, और ये भैया जो गाड़ी चला रहे हैं, अंकल कहाँ गए? आगे है। अरे बंद हो। तो बस बहुत अच्छा लगा, माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करती है। तो आप लोग भी दर्शन करने आइए, और आस्था है तो ही आइए, विश्वास हो तो ही आइए, और विश्वास हो तो मतलब डॉक्टर भी आपको तभी ठीक कर पाता है जब तक आप में विश्वास होगा। तो जो अंधविश्वास वाले लोग देख रहे होंगे वो भी विश्वास करें। सामने बैठे, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है सोचने की। पर आज जय माता दी एक बार दर्शन करने इंदौर आए हैं तो जरूर आए बियासन माता मंदिर। तो चले घर जा रहे हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नई लोकेशन पर, नई जगह। बाय, गुड नाइट।